चोरों का सबका सरदार हो गया है, इंसान का सरदार थोड़ी क्या है। उठा हुआ मरेगा आदमी, और क्या करेगा। बाईपास में कट जाएगा पूरा, आदमी लाइन लग जाएंगे। कोविड वैक्सीन जो पड़ रहा है उसका जो एक डोज का 780 रुपये लग रहा है ना, उसी का टैक्स इसमें जुट के आ रहा है। सरकार गेहूँ में ले रहा है 4 बोरा का महीना। हाँ बस, अब महंगाई कहाँ है। तो सोचना चाहिए कि इतनी भाई इतनी महंगाई है, गरीब बंदा क्या बोलते हैं, एक दिन में 200-300 कमाने वाला वो अपने घर का खर्चा चलाएगा। गेहूँ चावल तब होगा। नमस्कार, मैं हूँ कल्पना सिन्हा और आप देख रहे हैं भारत 24/7। तो आज हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आ चुके हैं 17 नंबर में। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप, जो कि आप देख सकते हैं भारत पेट्रोलियम में पहुँच चुके हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा आसमान छू रही है। तो यहाँ पे मौजूद लोगों से हम लोग बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या कहना चाहेंगे। चलिए आगे भी लोगों से बात करते हैं कि बेरोजगारी है या इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे। अच्छा आप बताइए, बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहेंगे। अच्छा चलिए, ये लोग कह रहे हैं कुछ चाह रहे नहीं है, तो हम लोग आगे और लोग से बात कर लेते हैं कि महंगाई पे ये क्या कहेंगे। तो चलिए लोग से जान लेते हैं कि ये महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे। ये जो डीजल भरवा रहे हैं, कितने दिल पे पत्थर रख के इन लोग को डालना पड़ रहा है, मजबूरी है तो इन लोग को डालना ही पड़ रहा है। तो चलिए इन लोग से बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। अच्छा सर आप बताइए, सर आप बताइए कि महंगाई पे आप क्या कहेंगे। महंगाई पर अभी हम कहा कह सकते हैं, महंगाई तो बढ़ा ही रहा है। आप किस जिम्मेदार ठहराते हैं। तेल 100 के पार चला गया, इससे ज्यादा क्या करना है जी। खाने का तेल हो या पेट्रोल डीजल हो, सब बढ़ गया। सारे चीज का। तो आम आदमी का पिसाई हो रहा है, वो इंसान खाए क्या। क्या है कि यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि सब आम आदमी पे क्यों। सारे आम आदमी पर ही क्यों। कोविड वैक्सीन जो पड़ रहा है उसका जो एक डोज का 780 रुपया लग रहा है ना, उसी का टैक्स इसमें जुट के आ रहा है। लेकिन वैक्सीन तो फ्री हो गया था। वैक्सीन का जो कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है ना, उसी को लेकर के ये किया जा रहा है, इधर ना लेकर के इधर से दी। कहीं ना कहीं आम आदमी का पिसाई हो गई। जी, आम आदमी ही पिस रहा है इसमें। आज हम लोग जान लेते हैं महंगाई के बारे में, हमारे साथ कुछ लोग हैं तो उनसे बात कर लेते हैं कि महंगाई पे उनका क्या विचार है और वो क्या कहना चाहेंगे। अच्छा मैम, तो आप बताइए कि आप महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे। दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ रही है, चरा के दाम हो गए, चाहे तेल के दाम हो गए, वो बढ़ते जा रहे हैं, तो घर के जो किचन है तो उनके दाम तो बढ़ ही रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे। इसमें तो ऐसा होना चाहिए कि भाई रेट नॉर्मल चले, और क्या बताऊँ जी। ऐसा है कि मतलब आप बताइए कि बेरोजगारी भी चल रहा है, मतलब जितना भी मार हो रहा है सब हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर ही हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। गरीब बंदा क्या कर पाएगा, महंगाई इतनी रहेगी तो क्या कर पाएगा, कहाँ से कमाएगा। आवाज उठा सकते हैं। हाँ तो आवाज उठाते क्यों, एक बंदे से कुछ नहीं ना होता। वही बात है कि दिक्कत सबको है, लेकिन सब बोलते हैं मैं क्यों करके सब पीछे रह जाते हैं। साथ हम लोग के पास यूनिटी नहीं है कि साथ मिलकर आवाज बुलंद करें, आवाज उठाए कि सरकार भी कुछ सोचे, लेकिन नहीं। इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी भाई इतनी महंगाई है, गरीब बंदा क्या बोलते हैं, एक दिन में 200-300 कमाने वाला वो अपने घर का खर्चा चलाएगा, या क्या बोलते खर्चे ही उठाता रहेगा, अपने बच्चों के लिए सोचेगा। ऊपर से अभी पढ़ाई महंगी है, पेट्रोल के दाम महंगे हैं, तो सबसे गरीब को ही मार होगी। तो चलिए आगे उनसे जान लेते हैं कि ये महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे। तो चाचा आप बताइए, चार बड़ा गेहूँ दे दो, सरकार गेहूँ में ले रहा है 4 बोरा का महीना। हाँ बस, अब महंगाई कहाँ है, तो उससे क्या हो जाएगा। हाँ खाना खा गए आप। बस गेहूं से नहीं होता है, उसके लिए चूल्हा चौकी बहुत दे रहा है गेहूँ, पैसा सरकार सब दे रहा है उसके लिए, तेल चूल्हा चौकी सब कुछ लगता है। ओकरे मेकअप करो, चावल को दे दो, गेहूँ दे दो। हाँ बस हमारा यह कहना है। हाँ जी चलिए तो आप अब इनसे पूछ लेते हैं कि ये बेरोजगारी और महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे। तो चाचा आप बेरोजगारी महंगाई ये सब जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हीं पे मार हो रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। कहते हैं कि इसको कार्रवाई होना चाहिए। जीतल के हरा देगा, नीतीश कुमार है, जीतल के सबके हरा देगा।
तो ये आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे बारिश हुआ था तो जो गेहूं और जो सब लगा था तो सब कुछ बह गया, अभी तो काटने का समय आया था तो अभी सब कुछ बर्बाद हो गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो वहाँ कितना धरना दे लेते, कुछ हो ले माफ, कुछ हो ले दहिया, क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। जो धरना दिया है किसान, उन लोग को भी मार रही है सरकारें, और जो है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आवाज उठाना बेकार है? हाँ बेकार है, कुछ सड़ गया गेहूं चावल सब कुछ हो, कुछ नहीं होगा, सरकार का नाम देंगे। उठा हुआ मरेगा आदमी, और क्या करेगा? बाईपास में कट जाएगा पूरा, आदमी लाइन लग जाएंगे, बाईपास में कट जाएगा पूरा। अभी ये जो लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से तो आधा सबका जॉब जो है वो छिन गया था, तो सब बेरोजगार हो गए थे, तो इस पे भी कुछ कहेंगे आप? नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे। तो चलिए आगे इनसे जान लेते हैं कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन की वजह से इनका दुकान ठप पड़ा था तो ये क्या करेंगे? तो सर आप जो दुकान जो आपका ये लगा है तो कोरोना की वजह से तो सब बंद था, तो आप इस पे क्या कहेंगे कि कैसे आपने अपना गुजारा किया था? बोलने से फायदा नहीं होता है, लेकिन बोलने से किसी के मन में तो जाएगा ना, जो सुनेगा वो समझेगा भी कि दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। चोरों का सबका सरदार हो गया है, इंसान का सरदार थोड़ी क्या है, तो सरकार चुनने वाले आप हम सबको ही हैं। अभी सभी अभी 99% मतलब ये सब बेईमान हैं, और फिर भी मतलब भारत महान है। जी बेईमान तो है ही, लेकिन उसमें से जो लोग हैं उसमें से आप और हम और बाकी लोग ही हैं, लेकिन तो इसमें क्या कहेंगे कि कोई सरकार को भी तो हम ही लोग चुन रहे हैं, तो गलती किसका हो रहा है यहाँ पे? गलती तो जनता की है, जनता और गलती है तब ना बेवकूफ बना कर देता है। तो चलिए जैसे ये मानते हैं कि सरकार तो चोर ही है, लेकिन हम लोग ही वोट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती भी हमारी है, हमें सोच समझ के वोट देना चाहिए कि जो झूठे वादे होते हैं उस पर आँख बुन करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आप क्या ही कहें कि जो भी मार है सब हम गरीबों के भी है, और जो भी मिडिल क्लास लोग हैं वही सब कुछ झेल रहे हैं, तो जो आम आदमी का ही पिसाई क्यों? बड़े आदमी तो है उन्हें कोई दिक्कत नहीं पड़ रही क्योंकि वो बड़ा आदमी है, वो कार से घूमते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं, जिम जाते हैं वो वहाँ जाके साइकिल चलाते हैं फिट रहते हैं। लेकिन बात यहाँ है कि जो आम आदमी है जो गरीबी रेखा के पास आसपास जो रहते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, यहाँ बेरोजगारी है। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग इस बात को ख़त्म करते हैं, और आप भी बताइएगा हमें कमेंट्स करके कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल और डीजल हमारे जो बढ़ रहे हैं तो इसके ज़िम्मेदार कौन है, और क्या बढ़ना चाहिए, क्या घटना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ कैमरामैन गणेश के साथ कल्पना सिन्हा, भारत 24/7 बिहार, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।